नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का स्टडी करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स समप्रमाण इन मराठी। जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, और एक क्वांटिटी कम होती है तो उसकी दूसरी क्वांटिटी भी कम होती है। ऐसा रिलेशन जब आएगा तब ऐसे एग्जाम्पल को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहें। इसमें जैसा एक नोटबुक, यहाँ पे एक नोटबुक 5 रुपए की मिलती है। यदि अपन ने नोटबुक 2 लिया तो जो रुपीज है वो बढ़ेंगे, 10 रुपए रहेंगे। एक नोटबुक 5 रुपए की है, 2 नोटबुक लिया तो 10 रुपए लगेंगे। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ रही है। ऐसे एग्जाम्पल को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ नोटबुक्स है, नंबर ऑफ नोटबुक्स, नोटबुक्स, और यहाँ पे वैल्यूज ऑफ द नोटबुक्स इन रुपीज। इधर नंबर ऑफ नोटबुक्स बढ़ती है तो इधर उनकी जो वैल्यू है रुपीज में वो भी बढ़ रही है। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे तो उनको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। इसमें रेशो कांस्टेंट होता है, मतलब नंबर ऑफ नोटबुक्स का रेशो और रुपीज का रेशो एक कांस्टेंट रहता है। देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10। देखो LHS भी 1/2 है और RHS भी 1/2 है। ऐसे एग्जाम्पल को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और इनवर्स प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? तो इनवर्स प्रोपोर्शन, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है। इसका एग्जाम्पल लेंगे अपन। देखो तो यहाँ पे मैंने एक होम का कंस्ट्रक्शन करना है, एक होम का कंस्ट्रक्शन करना है। यदि मुझे एक होम के कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर्स, लेबर्स की संख्या लेंगे, ओके। नंबर ऑफ लेबर्स यदि 5 लेबर्स है तो वो 5 लेबर्स एक घर को नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आएंगे तो 30 डेज में उस होम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब उस काम को कंप्लीट करते हैं। यदि मैंने लेबर्स बढ़ा दिए, यदि मैंने लेबर्स बढ़ा दिए तो यहाँ पे वो 15 डेज में काम करेंगे। देखो मैंने इधर लेबर बढ़ाए तो इधर नंबर ऑफ डेज कम हो गए। 13 डेज लगते थे पहले, अब 15 डेज लग रहे हैं। इधर मैंने लेबर बढ़ाए तो इधर नंबर ऑफ डेज कम हो गए। मतलब एक क्वांटिटी जब बढ़ती है तो उसकी रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी कम होती है, डिक्रीज होती है। ऐसे रिलेशन को इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मतलब 5 × 30 नंबर ऑफ लेबर्स इंटू नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ लेबर्स 10 इंटू नंबर ऑफ डेज 15 ये इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे नंबर 5 डेज, ऐसा ध्यान में ले, सिर्फ समझने के लिए है, ओके। तो यहाँ पे देखो 5 × 3 = 15 आया, इधर भी देखो 10 × 1 = 15 × 1 = 15 और ए 0। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट इज सेम एट द टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन। ये ध्यान में लो दोस्तों, बहुत इजी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के वक्त पे एक राशि बढ़ती है तो उसकी रिलेटेड दूसरी राशि भी बढ़ती है, और एक राशि कम होती है तो उसकी रिलेटेड दूसरी राशि भी कम होती है। उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, ओके।
और इनवर्स में एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, एक कम होती है तो दूसरी बढ़ती है उसकी रिलेटेड क्वांटिटी। ऐसे एग्जाम्पल को इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ए बेस सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन इस चैप्टर में ध्यान में लेना जरूरी है। तो देखो दोस्तों, अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है देखो, इफ 7 किलोग्राम ऑफ ओनियन, यर क्वांटिटी ऑफ ओनियन, इफ 7 किलोग्राम ऑफ ओनियन, ओके, देन इट्स कॉस्ट, इफ 7 किलोग्राम ऑफ ओनियंस कॉस्ट, देन इट्स कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 140, ओके। अभी देखो दूसरा क्या है, हाउ मच कॉस्ट, मतलब कॉस्ट, हाउ मच कॉस्ट वी पे फॉर 12 किलोग्राम ऑफ ओनियंस। इधर इफ तुमने 12 किलोग्राम ऑफ ओनियंस लिए देन इट्स कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज एक्स अज्यूम करना, यहाँ पे लेट मतलब अज्यूम करना, ओके, ये बात ध्यान में लो। यदि देखो यहाँ पे किलोग्राम की ओर किलोग्राम आना चाहिए और कॉस्ट की ओर कॉस्ट आनी चाहिए, ये बात ध्यान में लो। यदि यहाँ पे किलोग्राम 7 किलोग्राम ओनियन के लिए 140 रुपीज लगते हैं, तो मैंने ओनियन बढ़ा लिए, तो मैंने 7 किलोग्राम ओनियन की जगह पे 12 किलोग्राम ओनियन लिए, तो पैसे ज्यादा देना पड़ेंगे, सिंपल है। यदि मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाता हूं तो दूसरी भी बढ़ती है। ऐसे एग्जाम्पल को डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल कहते हैं। यहां पे देयरफॉर गिवन एग्जाम्पल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये बात ध्यान में लो दोस्तों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रिलेशन क्या है, तो रेशियो इज कांस्टेंट, ये बात ध्यान में रखना, ओके, देयरफॉर रेशियो इज कांस्टेंट, ओके। देखो किलोग्राम डिवाइडेड बाय किलोग्राम, दैट इज 7 / 12 इज इक्वल टू 140 / x, ओके। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ओके। तो ए एक्स इधर आएगा 7 की ओर, इज इक्वल टू ए 12 इधर 140 के तरफ जाएगा, 140 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके। तो यहां पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए ये 7 RHS की ओर शिफ्ट होगा, मतलब डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड, दैट इज 7 हियर कैंसल हो जाएगा दोस्तों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, दिस 0 पुट हियर, दैट इज यहां पे एक्स की वैल्यू मिल गई। एक्स की वैल्यू क्या मिली देखो, एक्स इज इक्वल टू 20 × 12, रिमेनिंग टर्म्स वी राइट हियर, एक्स इज इक्वल टू 20 × 12, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 12 × 2 = 24 एंड दिस 0, दैट इज फाइनली वी कैन राइट द आंसर। फाइनली आंसर कैसा लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या है देखो, हाउ मच कॉस्ट वी पे 12 किलोग्राम ऑफ ओनियंस, देन कॉस्ट ऑफ 12 किलोग्राम ऑफ ओनियंस इज रुपीज
240 is the final answer. Okay? Write down our screenshot. Thank you. दोस्तों अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे. इफ रुपीज 600 कैन बाय 15 बंचेस ऑफ कैटल फीड, 15 रुपीज में 15 बंचेस ऑफ कैटल फीड मिलता है, हाउ मेनी बंचेस ऑफ कैटल फीड कैन रुपीज 1280 रुपीज. तो 1280 रुपीज में कितना कैटल फीड मिलेगा, तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे 1280 में कितना कैटल फीड मिलेगा, तो यहां पे देखो पहले गिवन लिखेंगे. इफ रुपीज 600 कैन बॉट 15 bunches of cattle feed. Okay? ये गिवन है. और सेकंड में क्वेश्चन है, इसके लिए यहां पे लेट करेंगे. तो अभी रुपीज है अपने पास. इफ रुपीज 1280 कैन बॉट हाउ मेनी बंचेस, मतलब एक्स बंचेस ऑफ कैटल फीड. ओके, बहुत इजी है दोस्तों. 600 रुपीज में 15 बंचेस ऑफ कैटल फीड मिलते हैं, तो 1280 रुपीज में एक्स बंचेस ऑफ कैटल फीड मिलेंगे. तो यहां पे ध्यान में लो, यदि मैंने रुपीज बढ़ा दिए तो मुझे कैटल फीड ज्यादा मिलेंगे. एक क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी तो उसकी रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है. इधर मैंने कॉस्ट बढ़ा दिया, इधर मैंने रुपीज बढ़ा दिए तो इधर क्वांटिटी बढ़ जाती है. मतलब दिस एग्जाम्पल इज एन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. देयरफॉर वी कैन राइट हियर गिवन एग्जाम्पल इज एन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. डायरेक्ट वेरिएशन भी बोल सकते हैं. यदि डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल है तो रेशियो इज कॉन्स्टेंट, दैट इज रुपीज डिवाइडेड बाय रुपीज इज इक्वल टू बंचेस ऑफ कैटल फीड डिवाइडेड बाय बंचेस ऑफ कैटल फीड, दैट इज रेशियो इज कॉन्स्टेंट. देयरफॉर रेशियो इज कॉन्स्टेंट. ओके, तो यहां पे दोस्तों 600 डिवाइडेड बाय 1280 इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स. और सिंप्लीफाई करो वो दोस्तों, जीरो गेट कैंसल. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उससे पहले यहां पे टेस्ट भी लग सकती है. 2 की 2 3 जार 6, यहां पे जीरो पुट करो. 2 6 जा 12, यहां पे 2 4 जा 8. ओके, और यहां पे और 2 की टेस्ट भी लग सकती है. 2 1 जा 2, यहां पे से 3 है, 3 में से 2 गए, 1 पुट हियर. 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. ओके, तो यहां पे देखो दोस्तों, अभी जो बचा है उसको लिखो.
15 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय x. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. दिस x गोज टूवर्ड्स न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट. ओके, और दिस 32 गोज टूवर्ड्स न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन. It is 15x is equal to 32 into 15. Okay? In equation, like terms get cancelled. मतलब cancel हो जाएगा. तो यहाँ पे x की value आई है. x is equal to 32 bunches of cattle feed. Bunches of cattle feed. लेकिन finally लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे according to the question. What is the question here? How many bunches of cattle feed can rupees 1280? So 15 bunches of cattle feed. Extremely 32 bunches of cattle feed. Bunches of cattle feed. 32 bunches of cattle feed can rupees 1280. Okay, or 32 bunches of cattle feed are but rupees, aisa bhi bol sakte hain, are but. रुपीज 1280. ओके, राइट डाउन माय डियर फ्रेंड्स. थैंक यू. दोस्तों अब एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे. फॉर 9 cows के लिए 13 किलोग्राम एंड 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे. 9 cows के लिए 13 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट एवरी डे के लिए, मतलब हर दिन के लिए लगता है. 9 cows के लिए 13 किलोग्राम 500 ग्राम फूड सप्लीमेंट लगता है. इन सेम प्रोपोर्शन, उसी प्रोपोर्शन में हाउ मेनी विल बी नीडेड फॉर 12 cows. तो 12 cows के लिए कितना फूड सप्लीमेंट लगेगा. सेम प्रोपोर्शन, मतलब यहां पे दिया है कि एग्जाम्पल इज एन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, तो यहां पे दिया हुआ फर्स्ट टाइम लिखेंगे. फॉर 9 cows, ओके, रिक्वायर्ड 13 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट. ओके, 9 cows के लिए 13 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट लगता है. तो सेम प्रोपोर्शन में लेट फॉर 12 cows रिक्वायर्स x किलोग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट. ओके, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, और ध्यान में लेना जरूरी है कि फिनिवर मार्च. ओके, तो यहां पे देखो दोस्तों, देयर फॉर द गिवन ईयर सेम प्रोपोर्शन, मतलब गिवन एग्जाम्पल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. गिवन example is in
डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। नाइन काउज के लिए 12, नाइन काउज के लिए 13 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट लगता है। तो मैंने काउज, नंबर ऑफ काउज बढ़ गए तो फूड सप्लीमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, इसीलिए इसको, इस एग्जाम्पल को डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। ओके, देयरफॉर रेशियो इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर रेशियो इज कॉन्स्टेंट। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट हियर 9/12 इज इक्वल टू 13.500 डिवाइडेड बाय एक्स। मैंने ये सब किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 500 ग्राम मीन्स 0.2, मतलब 0.5 ग्राम कर दिया मैंने। ओके, तो यहां पे देखो 3 की टेस्ट लगती है। ओके, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अभी ट्रांसफर करेंगे, ए एक्स 3 की ओर चला जाएगा। 3 × x इज इक्वल टू ए 4, 13.500 की ओर चला जाएगा। 13.500 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, एक्स की वैल्यू निकालना है, इसके लिए डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। ओके, 3 गेट कैंसल। ओके, तो यहां पे देखो दोस्तों, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। पॉइंट पुट हियर, वन पुट हियर, 3 5 जा 15, एंड दिस 2 जीरोस वी कैन राइट हियर। दैट इज एक्स इज इक्वल टू 4.500 मल्टीप्लाई बाय 4। देन प्रोडक्ट हियर, एक्स इज इक्वल टू 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 multiply by 5 20। ओके, 4 4 जा 16 एंड 2 18। पॉइंट के बाद आरएचएस को 3 डिजिट्स है, इसके लिए आरएचएस की ओर से एलएचएस की ओर 3 डिजिट्स 1 2 3, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ पे 18 फॉर 12 काउज रिक्वायर्स 18 किलोग्राम ऑफ फूड। फाइनली आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, ओके, जो क्वेश्चन में लिखा है, फॉर किधर है, फॉर 12 काउज, फॉर 12 काउज, फॉर 12 काउज रिक्वायर्स, रिक्वायर्स 18 किलोग्राम, 18 किलोग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट। ओके, ध्यान में आया दोस्तों, राइट डाउन और स्क्रीनशॉट प्लीज। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 का स्टडी करेंगे। इस एग्जाम्पल में दिया है 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन कॉस्ट रुपीज 36,000। 12 क्विंटल सोयाबीन के लिए 36,000 रुपीज लगेंगे, और 8 क्विंटल्स, लेट 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन कॉस्ट रुपीज एक्स अज्यूम करेंगे। यहां पे सोयाबीन की क्वांटिटी कम कर दिया तो रुपीज भी कम देना पड़ेंगे। देयरफॉर दिस एग्जाम्पल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, गिवन एग्जाम्पल इज द
डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, एक क्वांटिटी कम हो गई तो उसकी रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, इसकी इसके लिए इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ओके, तो अभी एज द गिवन एग्जाम्पल इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर रेशियो इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर वी कैन राइट हियर 12/8 इज इक्वल टू 36,000/x। हियर वी कैन राइट रेशियो कॉन्स्टेंट। ओके, रेशियो इज कॉन्स्टेंट, कीप इन योर माय डियर फ्रेंड्स, एज एग्जाम्पल इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन रेशियो इज कॉन्स्टेंट। ओके, देन सिंप्लीफाई हियर, 4 2 8, 4 3 12, दिस x goes towards x multiply by 3 is equal to this 2 goes towards 36,000। ओके, x की वैल्यू निकालना है तो 3 RHS की ओर ट्रांसफर आएगा, मतलब डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दिस 2 3 जीरोस आर पुट हियर, देन दिस आर आल्सो कैंसिल, देन नाउ इधर देखो तो x इज इक्वल टू 12 into 2, that is 24, and 3 zeros are put here. This is the value of x in rupees, therefore we can write here rupees. Finally, we can write this answer in proper format. Okay. Which is the proper format? 8 quintal of soybean cost rupees. 8 quintals of soybean cost rupees 24,000। देखो यहां पे क्वांटिटी कम कर दिया तो रुपीज भी कम हो गए, मतलब 24,000। ओके, राइट डाउन और स्क्रीनशॉट। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अब एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 मोबाइल्स इज ₹16,000। द कॉस्ट ऑफ 2 मोबाइल्स इज ₹16,000। ओके, लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स इज रुपीज एक्स। ओके, मैंने अभी मोबाइल की संख्या बढ़ा दी तो मुझे पैसे ज्यादा देना पड़ेंगे। द नंबर ऑफ कॉइल्स इन द नंबर ऑफ मोबाइल्स इंक्रीजेस देन रुपीज ऑल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर द गिवन एग्जाम्पल इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, गिवन एग्जाम्पल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एज एग्जाम्पल इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर रेशियो इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर रेशियो ऑफ मोबाइल्स 2/13 इज इक्वल टू रुपीज
रेशियो ऑफ रुपीज. ओके, हियर वी कैन राइट रेशियो इज कॉन्स्टेंट. ओके, देन नाउ सिंप्लीफाई हियर. दिस एक्स गोज टुवर्ड्स न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट, दैट इज 2x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 16,000. ओके, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देयरफॉर दिस 2 गोज टुवर्ड्स RHS, देयरफॉर डिवाइड बाय 2, दिस 2 गेट कैंसल. आंसर आएगा 2 1 2 2 8 16, दिस 3 जीरोज आर पुट हियर. ओके, देन नाउ सिंप्लीफाई. एक्स इज इक्वल टू रुपीज 13 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 104, एंड दिस 3 जीरोज 1 2 3, दैट इज 1,04,000 रुपीज. ओके, दिस आंसर is right in proper sequence here. Okay, the cost of 13 mobiles is rupees 1,04,000. This is the final answer. Okay? Write down or screenshot. 1,04,000. Write down or screenshot. My students, यदि videos पसंद आते होंगे तो like करो, subscribe करो और share करो. Subscribe करने के बाद notifications मिल जाएगी हमारे न्यूज वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलने के लिए. सब्सक्राइब करो. थैंक यू.